बिगाड़ते हैं उसको। परीक्षित महाराज, बच्चे को बिगाड़ने वाले उसके माँ बाप होते हैं बच्चे के। सही बात है। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे को लोग इतने लाड़ प्यार में रखते हैं। अगर बच्चा मांग रहा है 5 रुपए, बाप दे रहा है 10 रुपया, काका अरे लला है तो सब कुछ तुम्हारा, आराम से ले जाओ, खूब ऐश करो, खूब बढ़ाओ। अब जब तुम ऐसे लाड़ प्यार करियो, खूब ऐश करवाइयो, खूब पैसा उड़वाइयो, तो बच्चा तुम्हारा बिगड़ेगा, कभी सुधरेगा नहीं। ध्यान रखना, अगर आप बच्चे की क्षमता है 5 रुपए खर्च करने की और आप उसे अगर 10 रुपए दे रहे हो तो 5 रुपए वो पाप में लगाएगा, ध्यान रखना। और जो जिसकी लत अगर ऐसी लग जाती है तो वो जिंदगी में कभी सुधरता नहीं है। ए बच्चों, बैठ जाओ। गलुका देखा तुम ठंडी चन्नी आती, तुम देख रहे हो, तुम आते कल दिन ऐसे ही। हाँ है, बोली गोविंद भगवान की। तुम्हारा ध्यान रखना, बच्चे को बिगाड़ने वाले उसके माँ बाप होते हैं। बच्चे का लाड़ प्यार करो, अच्छी बात है, लेकिन लाड़ प्यार इतना भी ना करो जो बच्चा फिर सर पे बैठ के बातें करने लगे। है, बच्चे को बिगाड़ना, बच्चे को सुधारना, ये माँ बाप के हाथ में होता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि संतान अगर चाहे तो कुल खानदान को बहुत ऊंचा कर दे, और संतान अगर चाहे तो कुल खानदान को इतना नीचा कर दे जो समाज में माँ बाप मुंह दिखाने के लायक ना रहे। अगर संतान के अंदर आप संस्कार अच्छे डालोगे तो आपकी संतान कभी बिगड़ेगी नहीं। और संतान को अगर आप ज्यादा ही खोपड़ी में बिठा के रखे हो तो बस संतान कभी सुधरिए ना। ध्यान रखना, इसीलिए उतना ही लाड़ प्यार करो जितना सीमित हो, और सीमा के पार अगर जाइयो तो महाराज फिर मूड पकड़ के बैठियो बुढ़ापे में, कब जो होए का रहो। हाँ, फिर मूड पकड़ के बैठवे की देरी और नहीं होत। आजकल बच्चे को लोग खुद ही बिगाड़ लेते, फिर मूड पकड़ के और बैठत के अब तो बेटा बहुत बुरो ही हो, अब तो हमें मात तो रहे। तो इसीलिए संतान के अंदर अच्छे आचरण डालो। उसी समय दंडकारी पाप करने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, जुआ खेलने लगा, चरित्रहीनता फैलाने लगा, ऐसे पाप करने लगा। और जीवन में परीक्षित महाराज, जो जुआ खेलता है, जो मांस खाता है, जो शराब पीता है, जो चरित्रहीनता फैलाता है, ध्यान रखना उसका विनाश निश्चित है, उसका विनाश निश्चित है। और जो इन 4 चीजों से बच गया उसका उद्धार निश्चित है। शराब पिए तो हमें तो समझ ही नहीं आती सब में होता। शराब पी के तुम अपनों ही घर बर्बाद कर रहे हो। तुम शराब पियो फिर तुम्हें बच्चा शराब पिए, जब वे शराब पिए तो फिर उन्हें क्यों आए वे वाली पीढ़ी शराब पिए, बताओ। अब जैसा घर का मालिक होगा वैसा ही घर का माल भी होगा। अच्छा जब बताओ, तुम्हारे गांव में तो नहीं कोई शराब पिया थी, क्या हुआ बताओ, बता दा, तुम्हारे गांव में तो नहीं कोई शराब पिया थी।